नाजरीन अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया के एक तारीखी शख्सियत हैं और अर्तुरुल गाजी काई कबीले से ताल्लुक रखते थे और अल्लाह की राह में चलते हुए इन्होंने कई सारी जंगें लड़ी और फतेहयाब हुए। और नाजरीन अर्तुरुल गाजी सुलेमान शाह के बेटे थे और इन्होंने कई जंगों में सलेबी और मंगोलों को शिकस्त देकर आलमी इस्लाम को फैलाया। और अर्तुरुल गाजी सलजूक सल्तनत के वफादार थे, उन्होंने कई सलजूक सल्तनत में छुपे हुए गद्दारों को ढूंढ कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया था। नाजरीन अर्तुरुल गाजी अपने 400 सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आपस में दो फौजें लड़ रही है और अर्तुरुल गाजी ने हार रही फौज की मदद करी और अपनी 400 सिपाहियों के साथ उस जंग को फतह कर लिया। और वो फौज सुल्तान कैकोबाद की थी जिसकी अर्तुरुल गाजी ने मदद की थी। उसके बाद सुल्तान कैकोबाद ने अर्तुरुल गाजी को थोड़ी जमीन दी ताकि वो अपना कबीला बसा सके और ये बहादुर फातेह अर्तुरुल गाजी की वफात सन 1280 में हो गई थी। और अल्लाह जल्ल से दुआ है कि हमें इनकी जिंदगी सुनने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। حكايتك